नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे 3D ड्राइंग कैसे ड्रॉ करते हैं या निकालते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो आपको मिल सके। चलो हम देखते हैं। अभी ये देखिए, ये एक ड्राइंग है और ये मैंने ऑटोकैड में निकाली हुई 3D ड्राइंग है। ओके, आप इसको यहाँ पर है ऑर्बिट का फर्स्ट है, यहाँ पर क्लिक करके रोटेट करके भी देख सकते हैं। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, न्यू ड्राइंग का पेज लेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, कौन सा व्यू है वो व्यू पहले निकालना है। ये देखिए, यहाँ पर एरो है, ये क्या है, फ्रंट व्यू है। तो मैं अभी यहाँ पर फ्रंट व्यू पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, फ्रंट व्यू आ गया। अभी मैं फ्रंट व्यू में मुझे क्या क्या दिखने वाला है वो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, अभी मैं फ़िलहाल फर्स्ट ये ड्रॉ करूँगा लाइन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, सेंटर से यहाँ तक कितना है। यहाँ पर मैं ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ। यहाँ पर देखिए 35। ओके, फिर उसके बाद रेडियस कितना है उसका, 15। तो उसका डायमीटर कितना हुआ, 30। उसके बाद और फिर से 35। उसके बाद यहाँ पर क्लोज। ओके, यहाँ पर स्क्रीन में नहीं आ रहा है तो जेड स्पेस ई स्पेस कीजिए, ये स्क्रीन में आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर सर्कल लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये रेडियस 15 डाली, एंटर। ओके, और मैं यहाँ पर ये ट्रिम करता हूँ और ये इरेज करता हूँ। ओके, ये हो गया। और बीच में एक सर्कल है, उसका डायमीटर है 15। यहाँ पर देखिए, ये सेंटर आ गया, राइट क्लिक, डायमीटर 15। ओके, ये हो गया ये वाला। तो अभी मुझे ये साइड का ये निकालना है। ये भी मुझे प्रॉपर कौन से व्यू में दिखेगा, फ्रंट व्यू में ही दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वैसा ही निकलता हूँ, उसका सेंटर से 30, फिर अगेन रेडियस 15 है मतलब डायमीटर 30, फिर से एक बार 30 और यहाँ पर क्लोज। ओके, और सर्कल यहाँ पर मिड पॉइंट से रेडियस 15 और ये ट्रिम करता हूँ और ये इरेज। ओके, यहाँ पर भी एक सर्कल है बीच में, तो उसको मैं क्या करता हूँ, डायमीटर 15। ओके, ये हो गए मेरे दो साइड के। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको रीजन करूँगा, रीजन सेलेक्ट, राइट क्लिक। सर्कल को रीजन नहीं करना क्योंकि ये पहले से ही कंटिन्यू है। ओके, तो इसको भी हम रीजन करेंगे। आप रीजन भी कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, आइसोमेट्रिक करता हूँ। ओके, देखिए, आपको ये कंटिन्यूस लाइन होगी तभी आप एक्सट्रूड कीजिए, नहीं तो सरफेस में आएगा, ये अभी सॉलिड में आएगा। अभी इसको एक्सट्रूड करता हूँ, इसको भी और इसको भी, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म थिकनेस 10 है, इसलिए मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक, एंटर और थिकनेस 10। ओके, तो अभी ये जो होल है, ये देखिए, आप विजुअली दिखाई देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर होल नहीं हुआ। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर मुझे होल जनरेट करना है, इसके लिए मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा, जो हमें चाहिए पहले वो सिलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक, हमें जो नहीं चाहिए वो सिलेक्ट करके राइट क्लिक। ओके, अब देखिए आप, आपको दिखाई देगा होल। ओके, इसी तरह इसको भी हम वैसे ही करेंगे। अभी मैं 2D लेता हूँ, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट, सिलेक्ट जो चाहिए वो, फिर राइट क्लिक, सिलेक्ट जो नहीं चाहिए वो, राइट क्लिक। अब देखिए, ये भी होल में कन्वर्ट हो गया। देखिए, यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ से ये 30 लिया है। ओके, तो 30 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ही जाएगा, और ये बीच में का ब्लॉक हमें निकालना है। तो ये ब्लॉक हम कहाँ से निकालेंगे, हम
टॉप से भी निकाल सकते हैं और फ्रंट से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको फ्रंट से निकाल के दिखाता हूँ। ओके, अभी मैं देखिए, अभी मैं पॉली लाइन ली, यहाँ पर डिस्टेंस टोटल कितना है 30, फिर थिकनेस 10, फिर 30, फिर 10 और एंटर एंटर। ओके, ये देखिए पॉली लाइन से निकाला तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूस, इसको रीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ से निकाला तो यहाँ से ये कितना है 38 माइनस 10 और 10 मतलब 38 माइनस 20 मतलब कितना बाकी है 18। इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, कितना 18। ओके, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए एक टूडी लेता हूँ मैं, यहाँ पर मूव। ओके, यहाँ पर सेलेक्ट करके इसको मूव करता हूँ, इसका मिड और इसका मिड पॉइंट। ओके, और इसको भी एक बार कॉपी करता हूँ क्योंकि ये दो तरफ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ओके, तो इसको मैं ये पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और ये पॉइंट पर रख देता हूँ। ओके, वैसे ही इसको भी करना है, अभी मैं उसको मूव करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट। ओके, तो अभी मैं विजुअली करता हूँ, ये देखिए ये हो गया। ओके, तो अभी मैं इसको रोटेट भी करके देख सकता हूँ और सब ड्राइंग, पूरा ड्राइंग होने के बाद मैं इसको यूनियन करूँगा। ओके, ये हो गया यूनियन। ओके, तो ऐसा आप निकल सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।